हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो फॉर्मूले के बारे में, पहला सब टोटल और दूसरा एग्रीगेट फॉर्मूला। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब टोटल या एग्रीगेट का फॉर्मूला की जरूरत कब पड़ती है, क्योंकि जरूरत को जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर जरूरत को नहीं समझेंगे तो फिर हम उस फॉर्मूले को नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है कि एक जब बड़ा डेटा हमारे पास होता है तो हम लोग उसको फिल्टर लगाते हैं। जी हाँ, हम लोग उसको क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो यहां पे भी मेरे पास एक डेटा है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, तो हम यहां जब मान लीजिए फिल्टर लगाने के लिए से पहले हम हमारा जो टोटल वगैरह है इसका टोटल हम एक बार निकाल लेते हैं टोटल, और यहां पे हमने इसको सम कर दिया। यहां पे इसका टोटल 3000 दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इसका हम फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट होता है। तो उस केस में मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर नाम इंदर का ही मैंने फिल्टर लगा लिया, यहाँ पे इंदर का डेटा दिख रहा है, पर जो टोटल है वो टोटल हमारा ओवरऑल का दिख रहा है। यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए था कि जो विजुअल्स है सिर्फ मुझे उन्हीं का टोटल दिखना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे पहले जरूरत को समझना है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ऐसी कही गई है। तो जब तक आपकी उसकी जरूरत आपको पता नहीं होगी तब तक उस फॉर्मूले को सही यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे वेब पेजेस में आपको बताया जाता है कि भाई सब टोटल ऐसे अप्लाई किया, जानकारियां तो बहुत सारी है, लेकिन उन जानकारी को आप अपने ऑफिशियल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, मेरे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे। जी हाँ, मेरा मोबाइल ऐप भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए। iOS का भी है और आपका एंड्रॉयड का भी, दोनों का लिंक है। वहां जाके सिक्वेंसली सारे वीडियोज मैंने बेसिक टू एडवांस का आप देख सकते हैं। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अब इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन है इसका सब टोटल। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर हटाते हैं और यहाँ सम के जगह पे हम लगाते हैं फॉर्मूला सब टोटल। सब टोटल हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने अपना ले लिया सम। तो सम का सिक्वेंस नंबर 9 है, तो अब मेनू में 9 टाइप कर लो या फिर टैब से इसको सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा हम अपने रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, लिख कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं। 3000 दिखा है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मैं इसका फिल्टर अप्लाई करता हूं, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर लिया है ताकि फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इंदर का टोटल आया है। जी हाँ, तो सब टोटल में सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फिल्टर में या नॉर्मल भी आपने हाइड किया हुआ है तो हिडन डेटा को वो अपने को कंसीडर नहीं करता, उसको बाहर कर देता है, जस्ट विजुअल डेटा का ही सम करता है आपका सब टोटल। टॉपिक अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर, और पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। लेकिन मैंने अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज और है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सब टोटल और एग्रीगेट, या तो सिर्फ सब टोटल ही बताया, अब एग्रीगेट के बारे में जानते हैं। तो सब टोटल में प्रॉब्लम क्या है, सब टोटल और एग्रीगेट दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं, एक जैसे फंक्शन है, एक जैसे रिजल्ट है, और थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि सब टोटल फॉर्मूले के अंदर में अगर हम इन कर देते हैं, किसी तरह का एरर आ जाता है, तो ये मेथड इस पे काम करता है कि एनी फॉर्मूला रिसीव द एरर आल्सो गिव द एरर, एक थ्योरी है एक्सेल की। बट एग्रीगेट फॉर्मूले के अंदर में ऐसा नहीं है। एग्रीगेट फॉर्मूला में आप यहां लगा सकते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला बिल्कुल सब टोटल की तरह,
नाइन को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे एग्रीगेट में एक ऑप्शन बढ़ जाता है कि आपको इग्नोर क्या करना है। तो हमने इग्नोर में सातवां नंबर सिलेक्ट किया कि इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, हमने सिलेक्ट किया और फिर हम ऊपर चले प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने। अब अगर मैं इंदर का फिल्टर लगाता हूं तो आप देखेंगे कि एरर होने के बावजूद भी यहां टोटल देता है, और ये खासकर वहां पे वर्क करता है जहां पे लोग वी लुकअप लगाते हैं और मजबूरन उनको इस एरर लगाना पड़ता है क्योंकि उनकी टोटलिंग नहीं आती है, वहां आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एग्रीगेट फंक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर। जी हाँ, 2007 से मैंने शुरुआत की थी जब इंडिया में 2G कनेक्शन भी सही से नहीं चलते थे, उस समय मैं ऑनलाइन क्लासेस देता था। जी हाँ, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर आपको एक्सेल सिखाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे मोबाइल ऐप पे। तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे एंड्रॉयड का और मेरे iOS का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।